Hello everyone! Welcome back. Myself Priya, and I'll be teaching you Moral Science of Class Third Gems for Life. And I hope you have completed your work, which I told you in the last video. Lesson one: God is love. Now, before come to new topic, I will give you revision test of lesson 1 so this is your question paper and these questions you have to complete it in the presence of your parents and answer key will be provided to you in next video it is of 20 marks first you have to write date class revision test and subject model science you have to attempt all questions in a good writing. First question Write any four loving gifts God has given you. Carry four marks. Question two Do you believe in God's love towards you? Carry three marks. Question number three What was the name given to God by the oldest minister? Carry three marks. Question four Write five talents that God has given you. Carry ten marks. Let's start with lesson number two with folded hands. Today I will explain you about this lesson. So listen carefully, students. Tina was a little girl and she was the youngest child of her family. Her parents loved her very much. She was a good girl. Tina enjoyed her life with her two sisters. लविंग लाफिंग प्लेइंग एंड पेइंग टूगेदर ऑल लव लिटल टीना वेरी मच टीना एक नन्नी लड़की थी और वो अपने परिवार में सबसे छोटी बच्ची थी वो उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे बहुत प्रेम करते थे और वो बहुत अच्छी लड़की थी टीना अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रही थी अपनी दोनों सिस्टर्स के साथ बहुत प्रेम से रहती थी उनके साथ हंसी खेलती थी और उनके साथ ईश्वर की प्रार्थना करती थी सभी टीना को बहुत प्रेम करते थे टीना वॉज ए ब्राइट स्टूडेंट ब्राइट मीन्स ब्राइट स्टूडेंट मीन्स वो बहुत प्रतिभाशाली बच्ची थी प्रतिभाशाली विद्यार्थी थी पढ़ाई अपनी वो लगन से करती थी शी वॉज़ वेरी टैलेंटेड ऑल द टीचर्स लाइक डर जितने भी टीचर्स थे उसे बहुत प्यार करते थे बहुत पसंद करते थे बिकॉज शी इज शी वॉज़ वेरी टैलेंटेड शी वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़ वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी वंस टीना फेल एल एक दिन टीना बीमार पड़ गई एंड शी टुक लॉन्ग लीव और उसको बहुत लम्बी छुट्टी लेनी पड़ी आफ्टर रिकवरिंग शी जॉइन द स्कूल जब वो ठीक हो गई उसके बाद उसने वापस स्कूल अपना ज्वाइन किया वापस वो स्कूल आई बट फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी लेकिन उसे पढ़ाई में दिक्कत आने लगी शी फेल्ड इन मैथ्स वो मैथ्स में फेल हो गई इससे उसे बहुत दुख पहुँचा एंड द मैथ्स टीचर गोल्डेड हर उसकी मैथ्स की टीचर ने उसे बहुत डांटा टीना फेल्ड वेरी सैड एंड क्राइड, वो उदास हो गई और रोने लगी वन डे टीना आज हर पेरेंट्स टू टीच हर मैथ्स एक दिन उसने अपने अपने पेरेंट्स से कहा कि उसे वो मैथ्स पढ़ाएं। बट दे वर नॉट हाईली एजुकेटेड लेकिन वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे दे कुड नॉट टीच हर मैथ्स वो उसको मैथ्स नहीं पढ़ा सके देन टीना टीनाज मदर सैड फिर उसकी माँ ने कहा वी डू नॉट नो मैथ्स हम मैथ्स नहीं जानते बट वी हैव अवर गॉड हु कैन टीच यू ऑल द सब्जेक्ट्स लेकिन हमारा ईश्वर है जो तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं यू आस्क हिम टू टीच यू मैथ्स तुम उनसे पूछो मैथ्स पढ़ाने के लिए ट्रूली शी आज टू गॉड एज अ मदर सेड ट्रूली इफ यू ट्रस्ट गॉड ही विल टीच यू एवरी थिंग स्टूडेंट्स यदि आप ईश्वर को प्रेम करते हैं उन पर भरोसा रखते हैं तो वो आपको सभी कुछ सिखाएंगे और अच्छी सीख देंगे सही राह पर ले जाएंगे डियर गॉड माई मादर डज नॉट नो मैथ्स प्लीज टीच मी मैथ्स एंड टीना प्रे टू गॉड विथ होप एंड ट्रस्ट टीना को ईश्वर पर पूरा भरोसा था इसलिए उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरी मदर को मैथ्स नहीं आता कृपया आप मुझे मैथ्स पढ़ाइए स्लोली शी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड मैथ्स धीरे धीरे उसे मैथ्स समझ आने लगा एंड एट द एंड ऑफ द ईयर टीना केम आउट एज द टॉप स्कोर इन द मैथ्स और सबसे अच्छे मार्क्स टीना को मिले क्योंकि उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था वो सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करती थी पेयर कैन वर्क मेरे इट कैन चेंज एवरी थिंग एंड एवरी बडी टीना स्टोरी ऑफ लर्निंग मैथ दैट गॉड आंसर्स अवर प्रेयर वी हैव टू ट्रस्ट गॉड वी हैव टू प्रे कॉन्स्टेंटली हमें टीना की स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें नित्य ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए हमें उन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और जो भी हम मेहनत करते हैं और जो प्रार्थना करते हैं ईश्वर उसका हमें अच्छा फल देते हैं सो वॉट इज प्रेयर प्रेयर मीन्स प्रार्थना ईश्वर की प्रार्थना प्रेयर इज लविंग कन्वर्सेशन विद गॉड फ्रॉम द टाइम वी गेट अप वी शुड थिंक ऑफ गॉड वी बिफोर वी स्टडी प्ले वर्क एंड स्लीप वी मस्ट सीक द असिस्टेंस ऑफ गॉड जिस टाइम से भी हम उठते हैं सुबह जितने बजे भी उठते हैं जब से ही हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए वी शुड थिंक ऑफ गॉड अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले खेलने से पहले किसी भी काम को शुरू करने से पहले सोने से पहले हमें ईश्वर की सहायता की जरूरत होती है वी द असिस्टेंस ऑफ गॉड ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली मस्ट कम टुगेदर एंड प्रे फैमिली के सभी मेम्बर्स को एक साथ इकट्ठे होकर प्रेयर करना चाहिए एंड सेंटरेइज ऑफ कैलकाटा सेज द फैमिली दैट प्रेस टूगेदर विल स्टे टुगेदर जो फैमिली साथ प्रार्थना करती है वो हमेशा साथ रहती है एकजुट होकर रहती है वॉट एवर वी स्टार्ट विद गॉड विल श्योरली सक्सीड जो भी हम भगवान के नाम से शुरू करते हैं वो अवश्य ही पूरा होता है सफल होता है गॉड विल डेफिनेटली हेल्प दोज हु सीक हिज असिस्टेंस जिनको ईश्वर की मदद की जरूरत होती है ईश्वर उनकी ज़रूर मदद करते हैं प्रेयर इज नॉट मेयरली रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर आवर नीड्स खाली हमें ईश्वर से अपनी ज़रूरतों के लिए ही प्रार्थना नहीं करनी चाहिए हमें उनका धन्यवाद उनकी शुक्रिया अदा करना चाहिए फॉर द ब्लैसिंग वी रिसीव्ड जो भी उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए एंड दिस इज ऑल्सो प्रेयर प्रेजिंग हिम फॉर हिज गुडनेस इज ऑल्सो प्रेयर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए उनकी अच्छाइयों की यह भी एक प्रेयर है नाउ कम टू पेज नंबर एलेवेन लेटेस्ट रिमेंबर सेंटर ऑफ कैलकाटा सेड द फैमिली दैट प्रेस टुगेदर विल स्टे टूगेदर जो फैमिली मेम्बर एक साथ प्रार्थना करते हैं वो हमेशा एकजुट और एक साथ रहते हैं एंड वॉट एवर वी स्टार्ट विद गॉड विल श्योरली सक्सीड और जो भी काम हम भगवान का नाम ले कर शुरू करते हैं वो हमेशा सफल होता है ना कम टू द एक्सरसाइज पार्ट लेटस कम्प्लीट द टेबल so first we should thankful to god whatever god has given us i will thank god for my loving parents i will thank god for my loving brother i will thank god for my loving sister for my loving friends for my loving teachers flowers rivers oceans garden trees and many more students you have to complete this part in book itself now come to question answer part first one is what is prayer prayer means loving conversation with god prayer is a loving conversation with god now question 2 when should be prayer we should prayer to god before study work and sleep now come to page number 12 question number 3 what did tina pray to god the answer is tina prayed to god please teach me maths question 4 what does the story of tina tell us the answer is that story of tina tells us that god answers our prayer we have to trust god we have to pray constantly listen to students carefully all these question answers you have to complete in your copies in your class or copy in a good handwriting Students, let's start this prayer sing together. Join your hands and close your eyes. Join your hands and close your eyes. Let us pray to the God of love. Let us pray to the God of love. Speak to God and thank Him now. Praise him for his gifts and grace. Speak to God and thank him now. Praise him for his gifts and grace. Join your hands and close your eyes. Let us pray to the God of love. Join your hands and close your eyes. Let us pray to the God of love. Speak to God and thank him now. Praise him for his gifts and grace. Thank you, everyone. Keep learning and stay safe at home.